हेलो 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 एवरीवन। अगर आप भी सोचते हो कि पढ़ाई बोरिंग है या फिर मोटिवेशंस का इंजन जल्दी बंद हो जाता है तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाला है। आज हम बात करेंगे एक मोटिवेशनल स्टडी हैक्स की जो आपको सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि कंसिस्टेंट और फोकस भी बनाए रखेगा। तो शुरू करें, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हैक है गाइस हमारा गोल सेटिंग, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। हर सेशन के लिए एक छोटा गोल और एक क्लियर गोल रखो। फॉर एग्जांपल, आज मुझे फिजिक्स के 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या फिर 2 पेज बायोलॉजी का रटना है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि गोल के साथ एक रिवार्ड भी फिक्स करो। जैसे अगर मैंने एक कंप्लीट टॉपिक को पढ़ लिया, इसे कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो मुझे 10 मिनट इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने का टाइम मिलेगा, ठीक है, ये मेरे लिए रिवार्ड होगा। ब्रेन को ये सारी रिवार्ड सिस्टम ना बहुत ज़्यादा पसंद आता है और आपका ब्रेन जो है वो एक्टिवली स्टडी में फोकस्ड रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लाइक गोल सेट करके एक रिवार्ड खुद को दे सकते हो। अगला हैक की अगर मैं बात करूँ तो वो है पोमोडोरो टेक्निक। अब देखो गाइस, इसके बारे में तो मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ और इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बना चुका हूँ, ठीक है। तो अगर इसके बारे में नहीं पता तो जा करके चैनल पर देख लेना, ठीक है, और वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैं बहुत बार इसके बारे में बात कर चुका हूँ। अगर मैं अगली हैक्स की बात करूँ गाइस तो वो है एक्टिव लर्निंग। सिर्फ नोट्स लिखने से या पढ़ने से टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि नोट्स लिखते रहते हैं और बस, ठीक है, लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं, वैसे टाइम वेस्ट मत करो गाइस, ठीक है। क्विज अटेम्प्ट करो और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशंस करो जो तुम पढ़े हो सो, ठीक है। एक रिसर्च कहता है कि एक्टिव जो लर्निंग टेक्निक है ना वो आपको ज़्यादा याद रखने में हेल्प करती है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो सपोज़ आप केमिस्ट्री का रिएक्शंस को याद कर रहे हो, ठीक है, इंस्टेंट ऑफ रोट मेमोराइजेशंस, एक पेपर पर लिखो और खुद से पूछो कि ये रिएक्शन कब होता है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट हैक की बात करूँ गाइस तो वो है स्टडी इन्वायरमेंट। आपका स्टडी स्पेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेक श्योर कि आपका जो एरिया है ना वो क्लीन और डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम हो, ठीक है। और अगर पॉसिबल हो तो एक स्टडी कॉर्नर बना लो, ठीक है, एक स्टडी सेटअप बना लो और वो केवल पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। देखो, एक क्लीन डेस्क और एक मेसी डेस्क में ना जमीन आसमान का फ़र्क होता है। क्लीन डेस्क से जो ब्रेन है हमारा वो बेसिकली काम रहता है और फोकस्ड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस एक सुपर पावरफुल हैक की, ठीक है, विजुअलाइजेशंस। मैं हमेशा कहता हूँ अपने वीडियोज़ में या दोस्तों को समझाता हूँ तो कहता हूँ यार, विजुअलाइजेशन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है, ठीक है। पढ़ाई शुरू करने से पहले ना आपको लाइक इमेजिन करो कि आप एग्ज़ाम हॉल में लाइक कॉन्फिडेंट के साथ आंसर लिख रहे हो, ठीक है। ये टेक्निक आपका माइंड को ना एक बेसिकली एक विनिंग स्टेज में ले जाएगा और आपको सोचने पर मजबूर करेगा। और यार ये ना एक अकाउंटेबिलिटी लाएगी आपके अंदर बेसिकली, ठीक है। और अकाउंटेबल पार्टनर भी रखना गाइस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। स्टडी बडी या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स रखना एक अमेजिंग आइडिया हो सकता है, ठीक है, आपके लिए। जब कोई आपका प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है ना तो आप नेचुरली डिसिप्लिन हो जाते हो, ठीक है। जैसे कल तक आपके साथ फिजिक्स के 3 चैप्टर्स डिस्कस करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक स्टडी बडी रख लिया, उससे आप जो भी पढ़ रहे हो उसके साथ डिस्कस कर रहे हो, यार आज फिजिक्स डिस्कस करेंगे, कल केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, तो इससे आप अकाउंटेबल हो जाते हो और आपको लगता है हाँ उसके साथ डिस्कस करना है, तो चीज़ें जल्दी आप याद करते हो और अच्छे से अकाउंटेबल होकर के पढ़ाई करते हो। यह एक मतलब लाइक एक डेडलाइन सेट हो जाता है, ठीक है, जैसे कि यार ठीक है मेरे को कल करना है तो करना है क्योंकि उसे डिस्कस करना है, उसके साथ उसको बताना है, ठीक है। और इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ गाइस। बेसिकली मैं स्टडी विद मी करता हूँ, लाइव सेशन करता हूँ, उसमें आप कनेक्ट हो सकते हो जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर बहुत सारे स्टडी बडी आते हैं जिसके साथ तुम पढ़ाई कर सकते हो और एक बिल्कुल इफेक्टिव और लाइक प्रोडक्टिव अपने लाइफ को बना सकते हो, ठीक है। अगली हैक्स की अगर मैं बात करूँ गाइस तो वो है कि लाइक आपका दिमाग घुमा करके रख देगा, ये वाली हैक्स याद रखना, ठीक है। देखो, डोंट मल्टीटास्क भाई साहब, ये वाली जो हैक है ना बहुत यूज़फुल है। डोंट मल्टीटास्क, बी अ मॉन्क वाइल स्टडिंग। मल्टीटास्क का मिथ गाइस ये ना बहुत स्टूडेंट को बर्बाद कर चुका है, ठीक है। देखो, लोगों को लगता है ना कि यार गाने भी सुन लूँगा, पढ़ाई भी कर लूँगा, दोस्तों से बातें कर लूँगा, मोबाइल का नोटिफिकेशन भी आ रहा है तो मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं होगी मेरे भाई, ऐसी पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। जब भी तुम पढ़ने के लिए बैठे हो ना, बिल्कुल तुम्हारा फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। मल्टीटास्क करोगे ना बिल्कुल भी, तुम्हें लगेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन वो पढ़ाई नहीं होगा, वो पढ़ाई किसी काम का नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इस बात को याद रखना, ठीक है। और ये था मोटिवेशनल स्टडी हैक्स जो आपके बोरिंग स्टडी सेशंस को सुपर प्रोडक्टिव रूटीन में बदल सकता है। इन सारी टेक्निक्स को अगर तुम यूज करोगे तो याद रखो, सक्सेस की चाबी ना कंसिस्टेंसी है और स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करो, कंसिस्टेंट रहो, तो डेफिनेटली तुम जो भी चाहते हो वो चीज़ें अचीव कर सकते हो। अब अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी ना तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और
शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट एंड स्टे फोकस्ड। सी यू सून गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।